हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। ये देखिए गाइस, गल्ला फोड़ा है, फोड़ा में वो इन्वर्टर ख़राब हो रहा था ना, तो वो इन्वर्टर लेके आना है, ठीक करवाने के लिए दिया है। रोने वाली मैडम ने गल्ला धो दिया, उसके अंदर पानी चला गया। अकलमंद हमने, इतनी बड़ी अकलमंद नहीं मैडम, जिंदगी में बोलो। तो जी गाइस, आप लोग किस काम से जा रहे हो? मैं वो बताऊंगी किस काम से है बाद में, तो फिर चलिए थोड़ा सा देख लीजिए कि आप जा रहे हैं दरियागंज तेल भाई की साइड पर। तो अभी हो गई है 32, अब यहाँ पे थोड़ी देर रुकेंगे फिर चलेंगे हम आगे। गाइस देखिए, ये राजघाट है, हम जा रहे हैं अरवन की साइड। और ये देखें, देखिए हमें अचानक से ही आना पड़ा है, तो मैं बच्चों को छोड़कर आई हूँ, तो घर पर नहीं छोड़कर आई, मतलब किसी के पास छोड़कर आई हूँ, फ्रेंड की या मतलब बहन बनी हुई है तो उनके छोड़कर आई हूँ मैं। तो अड़चनी मुझे बहुत ज़्यादा आना पड़ा है, और क्यों आना पड़ा है वो मैं आपको घर पर जाके बताऊँगी। ये देखिए, इधर पर भी देखिए ठंडी ठंडी हवा चल रही है, तो चलिए। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। तो जी गाइस, सब खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआ से हम भी अच्छे हैं, खैरियत से हैं। तो जी गाइस, सुबह में जैसे मैं उठी थी, खिजरा को स्कूल छोड़कर आ गई थी, फिर वहाँ से आने के बाद आयरा तो सो ही रही थी, तो मैं भी लेट गई थी। फिर उसके बाद उठी, आयरा को नाश्ता करवाया, और जो है फिर उसके बाद से जो है घर का काम वाम करा। और बच्चे देखिए कार्टून देख रहे हैं, मतलब खिजरा आ चुकी हैं, फिर से मैंने इनको नाश्ता पानी करवा दिया था, और जो है सारा घर का काम निमट चुका था, कपड़े वगैरह भी धुल चुकी हूँ, और जो है मैं नमाज से भी फारिग हो गई हूँ। तो मैंने कहा लाइए, इतने दिन हो गए हैं, आज व्लॉग स्टार्ट कर लेते हैं। तो मैंने कहा चलो पहले काम से निमट जाती हूँ, सब कर लेती हूँ, नमाज से भी फारिग हो जाती हूँ, तो फिर उसके बाद जो है अपना व्लॉग स्टार्ट करेंगे। तो जी गाइस, माश देखिए, देखिए हमने जो है यहाँ पर पर्दे लगा लिए हैं, क्योंकि खाक धूल आती है और धूप है, बारिश है, तो सामान भी यहाँ रखा हुआ है, तो सामान भी मतलब सब ख़राब हो जाता है, तो इसलिए फिर पर्दे तो मतलब आए हुए थे, तो फिर इनके पापा ने भी लगाए हैं, वो लगा लेते हैं। और बारिश हो रही थी तो माशाल्लाह मौसम भी अच्छा हुआ हुआ है, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है, बारिश होती है फिर वही गर्मी एकदम भपका हो जाता है। और अब भी देखिए मुझे पसीने आ रहे हैं, और जो है बच्चे मतलब सिपारा पढ़ने नहीं गए, बारिश हो रही थी, गली में हो रही एकदम कीचड़ में, इनके बच्चे गिर नहीं जाए, तो फिर इसलिए मैंने इन्हें पढ़ने सिपारा भेजा नहीं है, मैंने कहा चलो शाम में भेज दूँगी। तो चलिए अब जो है बच्चों के बाल वगैरह बांध देती हूँ, नहा धो के रेडी हो ही नहीं है बच्चियाँ, बाल नहीं बांधे थे, और फिर उसके बाद देखते हैं इनके पापा आएंगे, अभी तो टाइम है उनके आने में, फिर शाम में क्या पकता है क्या नहीं डिसाइड करेंगे, तो मिलेंगे आपसे थोड़ी देर के बाद। तो जी गाइस देखिए, इनके पापा आ गए हैं, और ये रोटी लेते हुए आए थे अपने लिए, मैंने इन्हें देसी घी में तल दी है, चाय बना दी है, और नहा धो भी लिए हैं ये। और ये रहे, ये देखिए, ये देखिए, ये गर्मा गर्म समोसे हैं, ये ब्रेड पकोड़े हैं। तो चलिए हम खा लेते हैं, और अभी जो टाइम है मतलब 4:45 बज रहे हैं, तो अब जो है बच्चों को खिला पिला देती हूँ मैं, ये बैठी हुई आयरा। तो चलिए खा पी लेते हैं, फिर खाने पीने के बाद मिलेंगे। और खैर मैं तो रोटी खाऊंगी नहीं, यही खाएंगे, क्योंकि सुबह के गए होते हैं ना, भूखे होते हैं, खा नहीं पाते, तो मतलब अब आके खा लेते हैं ये। तो चलिए हम खा लेते हैं पहले अपने ब्रेड पकोड़े, और मौसम भी अच्छा है, तो चलिए खाते हैं। तो जी गाइस देखिए, आज बहुत दिनों के बाद जो है फ्रेंच फ्राइज आए हैं, और ये चिकन वाले मोमोज़ आए हैं, तो मुँह ज़्यादा ही ख़राब हो रहा था, तो मैंने कहा ले आइए जा करके, चटनी है, चटनी मैंने ज़्यादा निकाली नहीं है, बच्चियाँ खाती नहीं है, और ये दोनों बैठ गई हैं खाने के लिए, फटाफट खा रही हैं। तो चलिए अपने इंजॉय करते हैं अपने मोमोज़ और अपने फिन फ्राइज, ये देखिए। तो जी गाइस देखिए, ये कबूतरी जो है यहाँ पर खाना खा रही हैं, इन्हें चावल डाल दिए हैं, तो मतलब मैं शूट नहीं कर पाई थी, मतलब चाय वगैरह पी के ना बर्तन वर्तन धो के मैं लेट गई थी, थोड़ी तबीयत ज़रा ऐसे ही चल रही है। और मैंने आज बनाया सादा खाना, ये है दाल चावल, ये बच्चों के लिए निकाल दिए हैं, इधर खीरा कट कर लिया है, और थोड़े से मैंने पापड़ तल लिए हैं,
दाल चावल खाने, मतलब दाल चावल के साथ में। तो चलिए खाते हैं फटाफट से खाना, गर्मा गर्म है, और आइए आप भी खा लीजिए, फिर मिलेंगे आपसे खाने के बाद। तो आज सिंपल खाना है। तो जी गाइस देखिए, जैसे कि मैंने आपको दिखाया था, खाना वगैरह जो है हमारा हो चुका है और मैंने बर्तन वगैरह भी जो है धोधा कर रख दिए हैं। और खिजरा जो है मतलब सो गई हैं, अभी लेट इनकी टाइम हो गए हैं ज़्यादा, क्योंकि वो सुबह में उठती हैं, स्कूल जाती हैं, फिर उसके बाद सिपारा, वहाँ से आने के बाद कुछ खा पी कर नहा धोकर सिपारा पढ़ने जाती हैं, फिर वहाँ से आने के बाद जस्ट बैग रख करके फिर ट्यूशन जाती हैं, तो बच्चियों का टाइम नहीं मिल पाता, तो इसलिए वो जो है सो गए, उनके पापा भी सो गए हैं, तो मैं इसलिए दूसरे वाले मतलब रूम में आ गई थी। तो चलिए, हमारा व्लॉग आपको कैसा लगा तो बताइएगा प्लीज़, और आपको व्लॉग अच्छे लगते हैं हमारे या नहीं लगते खुद तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा आप, और लाइक से ज़रूर दीजिए करें, और वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों में, रिश्तेदारों में, ग्रुप में शेयर करें। और जी गाइस, मतलब मैं व्लॉग भी नहीं बना पा रही थी, मतलब थोड़ी तबीयत ज़रा ऐसे ही चल रही थी, और फिर माशाल्लाह मेहमान भी आपने देखा था कि मतलब सब जने आए हुए थे, फिर उनके जाने के बाद फिर मेहमान आ गए, तो माशाल्लाह कोई ना कोई लगा ही रहता है, और जो है थकान भी बहुत ज़्यादा हो चुकी थी, जैसे मतलब मैं उठती हूँ ना तो आँखों के आगे एकदम अंधेरा सा आ जाता है, थोड़ी मतलब तबीयत ऐसी हो जाती है, तो इसलिए मैं रोज़ नहीं बना पा रही हूँ व्लॉग। और मतलब बहुत लोगों के कह भी रहे हैं कि क्या हो गया, व्लॉग क्यों नहीं बना रही हैं, मतलब जो मेरे कॉन्टेक्ट में है और मेरे फ्रेंड वगैरह हैं वो भी यही बोल रहे हैं कि नहीं व्लॉग बनाओ, तो बस इंशाल्लाह कल से यही मतलब कोशिश करूँगी कि हाँ चाहे थोड़ा ही आए लेकिन व्लॉग रोज़ाना आए, बस हिम्मत नहीं हो पाती है, घर का काम वगैरह करती हूँ, बच्चों का भी करना पड़ता है, फिर उसके बाद जो है थोड़ा बहुत मतलब नहीं हो पाता है, तो इंशाल्लाह ज़रूर से कोशिश यही रहेगी कि रोज़ाना जैसे हमारे व्लॉग आ रहे थे तो रोज़ाना आए। तो चलिए, दुआओं में याद रखिएगा, और मिलेंगे आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तो तब तक के ना, टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।